सारे कंडीशन लिखे हैं, इसको हम समझाते हैं। आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि जिसके ऊपर रैकरिंग हो, जिसके ऊपर रैकरिंग हो वो अमीर आदमी है। गांव में नहीं देखते हैं अमीर आदमी के ऊपर में, मान के चलिए कि बहुत दिक्कत अमीर लगता है, जाइएगा तो घर होगा बड़ा बंगला, एसी लगा हुआ, अमीर आदमी। तो जिसके ऊपर में टोपी है, जिसके ऊपर में टोपी है वो अमीर आदमी है, और जिसके ऊपर में टोपी नहीं है बेचारा गरीब आदमी है। क्लियर? ये बात बैठा लिए दिमाग में। जिसके ऊपर टोपी, टोपी का मतलब रैकरिंग, टोपी का मतलब रैकरिंग, रैकरिंग। जिसके ऊपर टोपी है वो अमीर आदमी, और जिसके ऊपर नहीं है वो गरीब आदमी। जैसे इसमें बताइए, ए हो गया गरीब आदमी और बी सी हो गया अमीर आदमी। यहां भी देखिए ए बी सी लिखा है, जिसमें ए और बी हो गया गरीब आदमी और सी हो गया अमीर आदमी। ये समझ गए? अब एक चीज और, आप एगो चीज तो ध्यान में कर लिए, दूसरा जानते होंगे कि मैथ में कुल मिलाकर डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक, इतना ही डिजिट है मैथ में, इसी से पूरा गणित चलता है। इसमें बताइए, हम आपसे पूछे कि इसमें अमीर कौन और गरीब कौन, तो भैया अमीर मतलब 9 और गरीब मतलब 0। समझ गए? तो हमारा बस ये 2 गो बात याद रखिएगा, एगो अमीर आदमी कौन होगा तो जिसके ऊपर टोपी लगा होगा और अमीर का मतलब 9, गरीब आदमी कौन होगा जिसके ऊपर टोपी नहीं होगा उसका मतलब कितना, तो 0। क्लियर है? चलिए हम आपको आगे समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बस अमीर और गरीब आप शायद समझ गए होंगे। क्लियर समझ गए? तो बन जाएगा 0.a, a के ऊपर रैकरिंग है। देखिए जो भी संख्या रहेगा ना दशमलव के इस पर, जितना रहेगा सबसे पहले आपको वो लिखना है। जैसे इधर a है तो a लिखिए, और कुछ तो नहीं है। इसके बाद a के ऊपर रैकरिंग है, कितने के ऊपर रैकरिंग है, तो एक आदमी के ऊपर रैकरिंग है, एगो 9 नीचे में हो जाएगा। ये आसान होता है। इधर देखिए 0.ab, पूरा है ए बी लिखा हुआ था, पहले ए बी लिखिए। इसके ऊपर कितने के ऊपर रैकरिंग है, तो 2 के ऊपर, तो नीचे में 2 गो 9 लगा दीजिए। ये आसान होता है, इसमें बहुत मुश्किलात नहीं होगा। मान लीजिए अगर 3 गो होता, ए बी सी, या तीनों के ऊपर रैकरिंग होता, भैया लिखते हम ए बी सी, और 3 के ऊपर रैकरिंग है तो 3 गो 9, अमीर आदमी, बात खत्म। लफड़ा कहाँ है? लफड़ा यहां है, जहां गरीब और अमीर मिक्स है। यहां तो खाली अमीर वाला बात है, सिंपल तरीका है। ए तो ए, एगो तो एगो 9, ए बी दोनों के ऊपर रैकरिंग, तो ए बी 2 गो 9। यहां देखिए टोटल क्या क्या लिखा है, ए बी सी, एक गांव है इसमें ये तीनों आदमी रहता है, तो लिख दीजिए ए बी सी, पूरा आदमी लिख दिए ए बी सी। अब इस गांव में से गरीब आदमी को हटा देना है, भगा देना है। हटा देना, भगा देना मतलब घटा दीजिए गरीब आदमी को। बताइए गरीब कौन कौन है, तो भैया ए और बी है, हाँ हटा दिए गांव में से। समझिएगा कहानी है, समझिए ना, पूरा गांव है, तो पूरा गांव कौन कौन है, तो ए बी सी, तो हम लिख दिए ए बी सी। इसमें से गरीब आदमी को भगा दीजिए, तो गरीब आदमी है बेचारा ए और बी, तो ए और बी को हटा दिए। अब इस गांव में कितना अमीर आदमी, तो भाई एगो अमीर आदमी, तो एगो 9 नीचे में। कितना गरीब आदमी, तो एक एक 2 गो गरीब आदमी, तो 2 गो 0 नीचे। समझे? टोपी लगा होगा तो अमीर, और टोपी नहीं होगा तो गरीब। अमीर का मतलब 9, गरीब का मतलब 0। बस अब इसको आप खुद से बनाइए। तो सोचकर गांव टोटल कितने आदमी से बना है, तो ए बी सी, तो पहले पूरा गांव लिख लीजिए ए बी सी। अब इस गांव में से गरीब आदमी को भगा देना है, गरीब आदमी कौन है, ए, ए को भगा दीजिए। अब बट्टा, अब बताइए कि इसमें से अमीर आदमी कितना है, एक और एक 2 गो अमीर आदमी है, तो 2 गो 9, और गरीब आदमी कितना है, तो एगो, एगो 0। बस यही तरीका होता है बनाने का, यही शॉर्टकट मेथड है। आप बहुत जल्दी से बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा, एक बार इधर क्वेश्चन करते हैं तो समझेंगे। एक बार और कह रहे हैं, टोपी वाला अमीर आदमी, और जिसके पास टोपी नहीं है वो गरीब आदमी। अमीर का मतलब 9 और गरीब का मतलब 0। देखिए 0.7 के ऊपर रैकरिंग है, तो एक अंक के ऊपर है, और एक अंक के ऊपर पूरा रैकरिंग है, तो 7/9। इधर देखिए 7, 3 दोनों के ऊपर रैकरिंग है, कोई झंझटे नहीं है, दोनों अमीरे आदमी है, 73/99। समझ गए? कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर इस सब में घटाते थे, इसमें घटाते क्यों नहीं है? भाई हमने आपको कहा ना, जो पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, कितना भी बदल जाएगा मेथड बदलने वाला नहीं है, घटा दीजिए ना। हम लोग किसको भगाते थे गांव में से, गांव मतलब 7, गांव में से किसको भगाते थे, गरीब आदमी को। बताइए तो इसमें को गरीब आदमी है,
कोई गरीब आदमी नहीं है तो किसको घटाइएगा, कोई नहीं है मतलब जीरो, सात में से जीरो घटाइएगा तो साते ना आएगा, इसीलिए कहते हैं कि इसमें घटा उटाव छोड़िए सीधे लिख दिए। लेकिन मेथड वही है, गौर से देखिए, यहां देखिए 73, हमने 73 लिखा पूरा गांव, गांव में से भगा देना है गरीब आदमी को, इसमें गरीब आदमी को है ही नहीं है तो क्या भगाइएगा, 73 का 73। अब दूगो अमीर आदमी तो 2 गो 9, एगो अमीर आदमी तो 1 गो 9, मेन मामला यहां फंसता है, इसको समझना पड़ेगा। बताइए पूरा गांव का मतलब 54, 5 और 4, तो पूरा गांव लिख दीजिए, गांव में से भगा दीजिए गरीब आदमी को, और गरीब आदमी कौन है तो 5। अब नीचे में क्या लिखिएगा, तो अमीर आदमी क्या गो, गरीब आदमी क्या गो, तो अमीर आदमी है 1 गो 9, गरीब आदमी है 1 गो 1 गो। सुनना अब इधर आइए, 54 में से 5 चला गया तो 49 बट्टा 90 आंसर, समझ रहे हैं। यहां देखिए 0.323, ये भी बना लेंगे हम लोग आसानी से बनाएंगे, पूरा गांव 3 2 3, पूरा जो भी है सब गांव है, इसमें से भगा देना है गरीब आदमी को, और गरीब आदमी कौन है तो 3 और 2 मतलब 32 बट्टा, अमीर आदमी 1 गो तो 1 गो 9, गरीब आदमी 2 गो तो 2 गो। सुनना घटा के आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, 323 में से 32 घटा लेंगे जितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 3 नहीं जाएगा इससे हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9, ये 3 था हासिल दे दिया तो बच जाएगा 2, 291 बट्टा 900। अब काटते रहिएगा आप लोग, उतना तो कर ही सकते हैं, 9 2 11 1 12 है, 3 से 2 कट जाएगा। यहां आके और टेंशन हो जाता कि सर ये क्या हो गया, तो भैया ये आप सीख गए तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे देखिए कैसे बनाइएगा, 1.3 के ऊपर रेकनिंग है, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए, 1+0.3 के ऊपर रेकनिंग ऐसे करके लिख लीजिए। अब आप जानते हैं आपको 0.3 के ऊपर जो रेकनिंग है ये बनाने आता है, ये तो सीख ही चुके हैं, खाली उसमें 1 जोड़ देना है। खैर 1 हम बना के आपको दिखा देते हैं, देखिए 1 के जगह 1 के रहेगा, प्लस 0.3 के ऊपर रेकनिंग है, देखिए 3 अकेला है और उसके ऊपर रेकनिंग है तो यहां पर होगा 3, 1 के ऊपर रेकनिंग 9, इकट जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9, आ गया 1+1/3। आप बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, 3 आएगा एलसीएम, 3 एकम 3 और +1, आंसर आ जाएगा 4/3। थोड़ा सा लंबा हो गया ये, हम आपको समझाने लगे इसीलिए, नहीं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका देखिए क्या करेंगे, तो भैया 1 है तो 1+0.43 के ऊपर रख रही। अब आप कहिएगा बनाइए, अरे खुद बनाइए ना, क्या दिक्कत है आपको, ये बनाने नहीं आता है, यहाँ तो सिखाया गया है आपको बनाना, 0.43 को सॉल्व कीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाएंगे, इसको भी आसानी से बना लोगे, 2+0.73 के ऊपर रह करें, 2 में इसको सॉल्व करने आता ही है, उसको 2 में जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे 2+2 अंक के ऊपर, 2 ही अंक है, दोनों के ऊपर रेकनिंग है तो 73/99। अब बट्टा पर का जोड़ आपको नहीं आता है दसवां में है, तो ये है हमारा शॉर्टकट तरीका, देखकर आंसर लगा देते हैं। खैर ये तो हम भारी भारी आपको बता दिए, इतना भारी दसवां में जाता भी नहीं है, इसी पर निपटा देगा आपको, लेकिन सीख गए होंगे उम्मीद है बहुत अच्छे से। फिर से कह रहे हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग है मतलब टोपी लगा है माथा पे, वो अमीर आदमी, जिसके ऊपर टोपी नहीं लगा है वो गरीब आदमी, अमीर का मतलब 9, गरीब का मतलब 0, जो भी संख्या दिया है ये पूरा गांव हो गया, और गांव में से गरीब आदमी को भगा देना है, बस सिंपल लॉजिक है। अगर लॉजिक समझ गए होंगे तो उम्मीद है कि आप शॉर्टकट मेथड समझ गए होंगे, क्लियर। हम रहने देते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और होता है वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में, वो √3 1 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, सिद्ध करें √3+2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है, वो वाला वीडियो बचा हुआ है। वैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो हम एक वीडियो बहुत दिन पहले बना चुके हैं, दोबारा फिर से नया वीडियो आपके सामने इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ओके।